अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में हमारी मेजॉरिटी है और आज ये विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन लाने की क्या जरूरत पड़ी वो संक्षेप में कल मैंने बताया था, ये प्रस्ताव रखते हुए कि मेरे पास दो एमएलए आए जिन्होंने कहा जी ये बीजेपी वाले आए थे और हमें ऑफर कर रहे थे कि केजरीवाल अब गिरफ्तार होने वाला है, उसके बाद हम इनकी सरकार गिरा देंगे, आम आदमी पार्टी की सारे एमएलए तोड़ लेंगे, 21 हमारे संपर्क में हैं, औरों से भी बात चल रही है, तुम भी आ जाओ, 25 करोड़ भी देंगे और जो मांगोगे और भी दे देंगे, तुमको चुनाव भी लड़ा देंगे। फिर हमने सारे एमएलए से संपर्क किया तो पता चला 21 तो नहीं, इन्होंने 7 एमएलए से संपर्क किया था। आज उनमें से कई एमएलए ने इस हाउस के अंदर अपनी अपनी दास्तान सुनाई है और बताया है कि उनको अप्रोच किया गया था। जैसा भी मेरे भाई राजेश ने बताया, राजेश गुप्ता जी ने, कि ये कहते हैं सबूत दो। क्या कैसे सबूत दें, किस चीज का सबूत दें? कभी किसी रिश्तेदार के जरिए आ जाते हैं, कभी किसी दोस्त के जरिए आ जाते हैं, आके कहते हैं जी आ जाओ हमारे साथ, अमित शाह से मिलवा देंगे, फलाना कर देंगे। उसकी कोई आदमी कोई टेप रिकॉर्डर जेब में लेके थोड़ी घूमता है कि कोई आएगा और मैं उसको टेप कर लूंगा, किस चीज का सबूत दे? तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूं, ये बड़े दिनों से इनको ये लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? और एक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, मेरे भारत मां की कोख से 1,00,000 केजरीवाल पैदा हो जाएगा। आज जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोला हुआ है, इतने हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब तरफ से चारों तरफ से हमले हमारे पर किए जा रहे हैं। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, इनको लगता है लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। अब पार्कों के अंदर चर्चा होने लगी है कि यह चल क्या रहा है, तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी को, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेन जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है, कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटी बात नहीं है, एक छोटी सी पार्टी, 12 साल का बच्चा है, 12 साल पहले ये पार्टी बनी थी, एक 12 साल का छोटा सा बच्चा है ये पार्टी। इस 12 साल के बच्चे ने इतने बड़े बड़े पार्टियों को चने चबा दिए। इस देश के अंदर 1,350 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, 1,350, उन्हीं में से एक पार्टी आम आदमी पार्टी थी। जब हमारी पार्टी 26 नवंबर 2012 को रजिस्टर की गई थी, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था हम लोगों ने, 2012 26 नवंबर आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन आज से 12 साल पहले अप्लाई किया गया था।
मात्र 10 साल के अंदर आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है पूरे देश के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी। एक एमएलए बनने के लिए लोगों की चप्पल घिस जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है एक एमएलए बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए। ये कोई इत्तफाक नहीं है कि ये पार्टी इतने कम समय के अंदर आज दो राज्यों के अंदर हमारी फुल फ्लेज्ड सरकार है, बहुमत, भारी बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार है। दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट इतिहास में कभी नहीं आई, पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीट पंजाब के इतिहास में कभी नहीं आई, गुजरात के अंदर पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार के अंदर हमारे 14% वोट और 5 एमएलए आ गए, गोवा के अंदर पहली बार चुनाव लड़े और गोवा के अंदर हमारे आज 2 एमएलए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी छोटी सी पार्टी और इतना बड़ा, और चंडीगढ़ के अंदर तो आपने देखा हमारा मेयर इन्होंने किस तरह से छीन लिया इन लोग, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मात्र 12 साल के बाद आज नेशनल पार्टी बन गई, तो आज इनको खतरा और डर भविष्य का केवल और केवल आम आदमी पार्टी से है। और ये भी जानते हैं, और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर ये 2024 में जीत जाते हैं तो 2029 में बीजेपी को इस देश को बीजेपी से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जब चर्चा करते हैं लोगों के साथ, लोगों में, मैं तो ये बता रहा हूं ये मेरी भावनाएं नहीं है, लोगों की, जनता के अंदर जो चर्चा चल रही है, कुछ लोगों का यह भी कि आम आदमी पार्टी के पीछे इसलिए पड़ रही है दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे। याद करो 2014 में मई के महीने में क्या जबरदस्त बहुमत लेके मोदी जी आए थे, क्या जबरदस्त। उसके बाद हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला था, ऐसे लग रहा था जैसे इस घोड़े को कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर जब 2015 में ये घोड़ा दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने इसको रोक लिया, और केवल रोका रोका नहीं, 70 में से 67 सीट बीजेपी केवल 3 पे सिमट गई। तो लोगों को क्या कहना है कि तब से इन लोगों ने ठान लिया कि इस पार्टी को तो नहीं छोड़ना, इस पार्टी को तो कुचलना है किसी भी तरह से। और फिर अक्सर देखा गया इस तरह के नई पार्टियां आती हैं, आंदोलन से निकलती हैं, बनती हैं और फिर एक ही चुनाव में खत्म हो जाती हैं। इनको पूरी उम्मीद थी कि एक चुनाव के बाद हम इतना इनको तंग करेंगे, आने के बाद इन्होंने बहुत तंग किया, हमें काम नहीं करने दिया इन लोगों ने, लेकिन 5 साल के बाद इनको उम्मीद थी चलो 2015 तो जीत गए, 2020 में इनकी सरकार नहीं बनने दें। फिर 2020 के अंदर 70 में से 62 सीट ये 8 सीटों पर, 2019 में इतने भारी 303 सीट लेके लोकसभा के अंदर जीते, लेकिन उसके बाद दिल्ली के अंदर आके हार गए। तो इनको ये दिल्ली की हार पच नहीं रही, इन्हें, इन्होंने हमें रोकने के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया इन्होंने हमें रोकने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़े इन्होंने हमें रोकने के लिए। लेकिन जो हमारा असली चीज था वो ये, इन्होंने हमारे काम, सबसे बड़ी तकलीफ इनको किस बात की है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं इनके पास उसका काट नहीं है, जो काम हम लोग कर रहे हैं ये वो काम नहीं कर सकते। हमने क्या क्या काम किए, हमने पिछले कई, पहले हमारी दिल्ली में सरकार थी, पंजाब में सबसे बड़ा काम किया दिल्ली में और पंजाब में, दोनों जगह बिजली फ्री हो गई और बिजली 24 घंटे हो गई। मैं आज बीजेपी को चैलेंज करता हूं, 30 साल से गुजरात के अंदर तुम्हारी सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है, 10 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी सरकार है, एक राज्य के अंदर बिजली फ्री करके दिखा दो तुम, बिजली 24 घंटे करके दिखा दो एक राज्य के अंदर। इतने बड़े बड़े पावर कट लगते हैं गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश, पंजाब के अंदर एक साल में 0 पावर कट हो गया, दिल्ली के अंदर 0 पावर, 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है तुमसे, ना 24 घंटे बिजली आती तुम्हारे राज्यों में, ना 24 ना फ्री बिजली आती, इतनी महंगी बिजली आती है, इतने पैसे लेते हो जनता से दिल्ली के अंदर। हमने और अब पंजाब में कर रहे हैं, शानदार स्कूल बना दिए, सरकारी स्कूलों का काया पलट हो गया, पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज शिक्षा के लिए जाना जाता है दिल्ली को, कि स्कूल बड़े अच्छे हो गए, शानदार शिक्षा, हैप्पीनेस करिकुलम, अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी हमारा हैप्पीनेस करिकुलम की क्लास अटेंड करके जाती है। दिल्ली ने देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है।
और इनके स्कूलों को उठा के देख लो, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के स्कूलों को उठा के देख लो, क्या हालत बना रखी है। उनके अंदर जानवर घूम रहे हैं, ये टूटी पड़ी है दीवारें, टूटी पड़ी है। कितने गरीबों के बच्चों का भविष्य जो है इन्होंने अंधकार में डाला हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, इतने सारे स्कूल तो छोड़ो, 10 स्कूल तुम अपने गुजरात में, मैं तो इतना घूमा गुजरात में चुनाव पर, एक स्कूल नहीं मिलता था जो इन्होंने ठीक कराओ। 30 साल के अंदर तुमसे एक स्कूल ठीक नहीं हुआ। ये काम तुम नहीं कर सकते, इसलिए इनको तकलीफ है। हमने दिल्ली में अस्पताल इतने बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, अस्पताल बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जिसमें गली गली के अंदर लोगों को इलाज मिलने लगा। तुम भी कुछ अच्छे, तुम लंबी लकीर तो खींच के दिखाओ यार, तुम कुछ अच्छा काम तो करके दिखाओ। हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कर दी, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं बुजुर्गों को। और ये सारे काम पंजाब में भी हो रहे हैं, पंजाब में दिल्ली से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में तो 540 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, पंजाब में 800 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक एक साल के अंदर बन गए। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा कर दी, इन्होंने इतना विरोध किया लेकिन सारी महिलाएं हमारे साथ ही हैं। दिल्ली के अंदर पानी कोने कोने के अंदर पहुंचा दिया, घरों में पानी नहीं आता, कोने कोने के अंदर पहुंचा दिया, पानी फ्री कर दिया। कच्ची कॉलोनियों को लेके इन्होंने सबसे ज्यादा राजनीति की, अगर काम किया तो हमने किया। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़क बनाने का, पानी की लाइनें बिछाने का हमने, सीवर की लाइनें बिछाने का हमने काम किया। पंजाब अभी 2 साल हुए हमें आए हुए, पंजाब के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। गांव गांव के अंदर इरिगेशन सिंचाई का पानी पहुंच गया, गांव गांव के अंदर जहां पहले पानी नहीं मिलता था, गांव गांव के अंदर सिंचाई का पानी पहुंच गया। हमसे सीख लो, हमें सारे काम करने आते हैं, हमसे भी नहीं सीखोगे और काम भी नहीं करने दोगे। अभी डिलीवरी ऑफ फ्री सर्विसेज, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ फ्री सर्विसेज, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, फोन करो और आपके घर आके सरकार काम करेगी। दिल्ली में भी लागू हो गया, पंजाब में भी लागू हो गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर हमें डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन नहीं करने दी, घर घर हम राशन पहुंचाना चाहते थे, इन्होंने दिल्ली में नहीं करने दी, हमने पंजाब में जाके लागू कर दी। अभी 10 दिन पहले मैं उद्घाटन करके आया हूं पंजाब। हम लोग व्यवस्था बदल रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूं जो एक दर्दनाक कहानी है कि इन लोगों ने किस तरह से ये सारे काम रोके। जब इन्होंने देखा कि जो काम केजरीवाल कर रहा है ये काम तो हमसे होते नहीं, ना हमसे स्कूल बनते, ना हमसे अस्पताल बनते, ना हमसे बिजली का काम होता, ना हमसे पानी का काम होता, ना हमसे सिंचाई का काम होता, ना हमसे दलाल खत्म, हमसे और ना हमारी इच्छा भी को पैसे कमाने इन्होंने। तो जब इन्होंने देखा ये काम नहीं, तो इन्होंने काम रोकने का काम किया। बड़े दर्द के साथ आज मेरे को कहना पड़ रहा है कि पिछले साल इन्होंने किस तरह से दिल्ली के अस्पतालों के अंदर दवाइयों को रोकने का काम किया। अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए आता है, अस्पतालों के अंदर बेबस आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता, जो अमीरों के अस्पताल में 5-स्टार अस्पताल में इलाज नहीं करा सकता, वो कराने के लिए आता है। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उनका उन दवाइयां बंद करा दी, इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए, इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग, कोई रोकता है क्या? कहते राम भक्त है, भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों के पाप लगेगा तुम लोगों को, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, पाप लगेगा आपको। विधुड़ी जी, आपकी पार्टी ने जो ये काम किया दवाइयां रोकने का और टेस्ट रोकने का और सारे अस्पतालों का इलाज रोकने का, गंदी बात है ये। बता के जाना, आप भी रुक जाओ, बता के जाना अपनी पार्टी वालों को क्यों किया उन लोगों ने। दुश्मनी मेरे से है, दुश्मनी केजरीवाल से है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से क्यों बदला ले रहे हो तुम लोग? एक वो एमटीएस से डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओपीडी काउंटर पे जब आप सरकार, बैठ जाओ, मैं सारे जवाब, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। दिल्ली के अंदर जब आप अस्पताल में जाते हो, दवाई की खिड़की पे जाते हो, खिड़की ऊपर एक आदमी बैठा मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ओपीडी के लिए, ओपीडी का कार्ड काटने के लिए। वो कॉन्ट्रेक्चुअल था, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा।
अरे करना क्या चाहते हो, दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? एक दिन फरिश्ते स्कीम कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। 23,000 लोगों का हम फ्री में इलाज करा के उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। इन्होंने फरिश्ते स्कीम बंद करा दी इन लोगों ने। इतने घटिया किस्म के लोग हैं ये लोग। मेरा दिल रोता है जब मैं ये सारी चीजें, मैं जानता हूं, किसी दिन लिखूंगा ये सब कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने घटिया स्तर के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। ये राजनीति होती है, ये राजनीति सत्ता के लिए। तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। आप लोगों का लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, भाई सरकार तो हमारी है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? ऐसा मन में आएगा ना कि भाई सरकार तो हमारी है, सरकार तो केजरीवाल की है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? मैं बताता हूं कैसे रोक सकते हैं। सर्विसेज इनके पास है। सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, किस अफसर को कहां लगाना है, कहां से हटाना है, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कोई अफसर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विजिलेंस, जेल भेजना, ये सारा इनके पास है। पूरा अफसर शाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है। आज मेरे को जो मेरा चपरासी मेरे कमरे में चाय पिलाने आता है, अगर कल वो कह दे मैं चाय नहीं पिलाता, मैं उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता मुख्यमंत्री होके भी। इतनी भी पावर नहीं है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, भाई ऐसे सरकार नहीं चल सकती, इनके ऊपर कंट्रोल मुख्यमंत्री का होगा। इन्होंने कानून ला के पास कर दिया कि नहीं, कि मुख्यमंत्री का नहीं होगा, एलजी का कंट्रोल होगा, केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। अब ये क्या कर रहे हैं, एक 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 आईएएस अफसर को बुला के धमकी दी जा रही है। धमकी क्या दी जा रही है कि अगर तुमने इस सरकार का एक भी काम किया, किसी भी मंत्री का एक भी काम किया, तुमको जेल भेज देंगे, तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारे ऊपर झूठा केस बना देंगे। जैसे इतने सारे झूठे केस अभी इन्होंने बताए, तुम्हारे ऊपर झूठा केस बना देंगे, सस्पेंड कर देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, खबरदार अगर तुमने इनका साथ दिया तो। रो रहे हैं आईएएस अफसर, रो रहे हैं दिल्ली सरकार के कर्मचारी। एक मेरे पास अफसर आया, टप टप आंसू बह रहे थे, 56 साल की उम्र है उसकी, और टप 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 आंसू बह रहे थे उस आईएएस अफसर के। वो बेचारा वो कहता है जी मैंने कभी ऐसी नौकरी नहीं देखी, इस तरह का माहौल मैंने कभी नहीं देखा कि खुलेआम हमें धमकाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर पानी का संकट इन्होंने और सीवर का संकट पैदा कर रखा है। कैसे? आप लोगों ने, इस पूरी विधानसभा ने बैठ के बजट पास किया पिछले साल। आपने कहा भाई 5,000 करोड़ रुपए बजट होगा दिल्ली जल बोर्ड का, वो सारा पैसा लेके बैठ गए ये लोग। फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा नहीं दे रहा जल बोर्ड का, 6 महीने से पैसा नहीं मिला जल बोर्ड को। जल बोर्ड चलेगा कैसे? छोटे मोटे रिपेयर का पैसा भी नहीं मिला जल बोर्ड के पास रिपेयर का पैसा भी नहीं बचा छोटा मोटा। धमकी दी जा रही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को धमकी दी जा रही है, खबरदार अगर तूने पैसा दिया। दिल्ली को ये बर्बाद करना चाहते हैं, चारों तरफ सीवर बहने लग गया, पानी का संकट हो रहा है। अल्टीमेटली सौरभ भारद्वाज और अतिशी ने मिलकर हाईकोर्ट में केस करा, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया पैसा तुरंत रिलीज करो, अगली हेयरिंग 29 फरवरी को है, अभी तक नहीं करा इन्होंने। ना ये सुप्रीम कोर्ट की मानते, ना ये हाई कोर्ट की मानते। अब एक और संकट पैदा कर दिया इन्होंने, पानी के बिलों का बहुत बुरा हाल हो रहा है दिल्ली के अंदर। अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, गलत बिल है, सारे के सारे गलत बिल है। हमने प्रस्ताव रखा, आप ही बताना अगर गलत है तो। हमने कहा भाई जब अगर किसी का पानी का बिल गलत है, आपके पिछले सालों के अंदर 3 साल 4 साल 5 साल जब से आपने पैसे नहीं भरे, आपके 2 या 2 से ज्यादा अगर कोई भी ओके बिल है उसको हम ले लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे और एवरेज के हिसाब से बाकी सारी कर देंगे। ठीक है कि नहीं है? गलत है कि ठीक है? हमने ये बनाया प्रस्ताव, प्रस्ताव बना के अफसरों को भेजा, इसको लागू करो। अफसरों ने फाइल पे लिख दिया कि हम नहीं लागू करते। फिर बुला के पूछा उनसे, अफसरों से रोने लग गए बेचारे, बोले जी कह रहे हैं तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुमको जेल में डाल देंगे अगर तुमने ये प्रस्ताव पारित किया तो। लेकिन प्रस्ताव तो पारित करा के छोड़ेगा केजरीवाल। देखते हैं
कि बाजुए कातिल क्या है वो, जोर कितना बाजुए कातिल में है। उन्होंने बिजली की सब्सिडी बंद करने की कोशिश की थी, मेरे को याद है, पिछले साल से खूब नट नोटिंग की मचा रखी है उन्होंने। कभी बिजली कंपनियों के डायरेक्टर हटा दिए, कभी हटा दिया, वो हटा दिया कि बिजली की सब्सिडी बंद करो। इनको पता है कि बिजली की सब्सिडी से सबसे ज्यादा जनता प्रभावित है। होने नहीं दी मैंने इन लोगों की गंदी चाल। हम बहुत छोटे लोग हैं और हम यहाँ पे देखो तो पता नहीं मुश्किल से दो चार ही होंगे जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, बाकी तो सारी एक तरह से गलियों में घुमा करते थे हम सारे। हमारी क्या औकात थी हैं? क्या औकात थी हम लोगों की? लेकिन कुछ तो ऊपर वाला चाह रहा है, कुछ तो हमसे करवाना चाह रहा है। मतलब एक सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैं यूं ही घुमा करता था, कोई नहीं पूछता था। परिवर्तन नाम की एनजीओ चलाया करता था, आप लोग भी अपनी अपनी जिंदगी चला रहे थे। अचानक वहां से उठा के लोगों का पता नहीं क्या प्यार था, क्या किस्मत थी, ऊपर वाला हमसे क्या कराना चाह रहा है, यहां पहुंचा दिया हम लोगों को। और अब इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हमारे खिलाफ चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र, और हम भी डटे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे ये लोग। क्यों? करोड़ों लोगों की दुआएं हमारे साथ, 18 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। उन बच्चों के माँ बाप से पूछ के देखो, इतनी दुआएं देते हैं हम लोगों को, उनके बच्चों का भविष्य बना दिया हम लोगों ने। उसमें बीजेपी वालों के भी हैं, कांग्रेस, हमने कभी राजनीति नहीं की, हमने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी वालों के बच्चों को एडमिशन देंगे बीजेपी वाले। सारे आओ, सारे हमारे बच्चे हैं, चाहे बीजेपी वालों के चाहे कांग्रेस बच्चे पढ़ जाएं। उन बच्चों के माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। लाखों करोड़ों लोगों का मुफ्त में इलाज हुआ अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, उनकी दुआएं हमारे साथ है। और जिन जिन की जिन जिन को तकलीफ हुई दवाइयां और ये रोकने की, उनकी बद्दुआएं इन लोगों के साथ है, उनकी बद्दुआएं इन लोगों के साथ है। बद्दुआएं छोड़ेंगी नहीं आप लोगों का पीछा, देख लेना। फरिश्ते के अंदर जो इतने सारे लोगों का इलाज कराया, उनकी दुआएं हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। इस आशीर्वाद को कैसे रोक पाओगे तुम लोग? केजरीवाल को तो गिरफ्तार करोगे, लोगों की दुआओं को कैसे गिरफ्तार करोगे? अब ये ऑपरेशन लोटस करने आए हैं, कितने ऑपरेशन लोटस कर लिए, अब तो थक भी नहीं, थके थकते भी नहीं हो तुम, हमारी दाद तो देनी पड़ेगी तुम लोगों को। हमें क्यों नहीं तोड़ पा रहे ये लोग, हमें क्यों नहीं खरीद पा रहे? क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरे स्टेट्स के अंदर दूसरे नेताओं, जो जो आपने इतने सारे नाम लिए, फलाना ये फलाना वो, उन लोगों ने गलत काम किए थे। वो गलत काम किए थे इसलिए उनको बीजेपी का संरक्षण चाहिए था, इसलिए वो अपनी पार्टी छोड़ के इनके साथ चले गए। तो एक फॉर्मूला जान लो, अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव में आके बीजेपी में चला जाए वो चोर है, और अगर कोई व्यक्ति बीजेपी के दबाव के बावजूद बीजेपी में ना जाए तो ईडी और सीबीआई वाले चाहे उसको जितने मर्जी जेल में डाले, वो कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया पे इन्होंने कितना दबाव डाला, खुलेआम है मनीष सिसोदिया को बोले केजरीवाल की पार्टी छोड़ दे, केजरीवाल की सरकार गिरा के तेरे को मुख्यमंत्री बना देंगे। पर मनीष सिसोदिया हेमंत विश्व शर्मा तो नहीं है, उसने कोई चोरी तो नहीं कर रखी? वो बोला मेरे को मुख्यमंत्री भी नहीं बनना और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तुम साल दो साल तीन साल रख लोगे, अल्टीमेटली तो मैंने बाहर आना ही आना है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं क्यों टूटूंगा? आप सब लोगों को, इतने सारे लोगों को इन्होंने अप्रोच किया, मैं सलाम करता हूं आप लोगों को कि क्या गजब के लोग हो आप लोग, टूटे नहीं, आप टूटे नहीं, आप ही मेरी ताकत हो। दिल्ली के 2 करोड़ लोग और दिल्ली के जो आप 61 विधायक हो, आप सब लोग मेरी ताकत हो, जिसकी वजह से आज मैं इन लोगों का मुकाबला कर पा रहा हूं। अगर आप में से कई लोग टूट जाते मेरी भी सरकार गिर जाती, पर आप लोग नहीं टूटे, आप लोग मेरी ताकत हो। सबको कहते हैं बीजेपी ज्वाइन कर लो, बीजेपी ज्वाइन कर लो, और इन्होंने हमें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी इतनी बड़ी लिस्ट बताई इन्होंने कि डीटीसी में भी स्कैम हो गया, क्लासरूम में भी स्कैम हो गया, क्या क्या था, पानी में भी स्कैम हो गया, बिजली में भी स्कैम हो गया, राशन में भी स्कैम हो गया, किसी बटन, कोई बटन था बटन में भी स्कैम हो गया, फलाने में भी स्कैम हो गया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जितने पूरे देश में आज तक एमएलए खरीदे हैं तुम लोगों ने, कितना पैसा खर्च किया उसमें?
और वो पैसा कहां से आया यही बता दो तुम लोग, बस ईमानदारी से इस देश को बता दो कि कर्नाटक में एमएलए खरीदे, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे, गोवा में एमएलए खरीदे, इधर एमएलए खरीदे, उधर इतना पैसा कहां से लाते हो यार तुम लोग? ये तो खुलेआम है। जब इन लोगों को 25-25 करोड़ दे रहे थे, पता नहीं है मार्केट रेट भी है, मार्केट रेट क्या चल रहा है मेरे को तो पता नहीं, मध्य प्रदेश में क्या रेट चल रहा है, कर्नाटक में क्या रेट चल रहा है। तो ये पैसा कहां से आता है, ये पैसा कहां से आ रहा है? तुम हमारे बटन में स्कैम ढूंढ रहे हो, 12 रुपए का बटन है, बटन में तुम स्कैम ढूंढ रहे हो। अरे तुम्हारे करोड़ों रुपए, एक एक एमएलए पे 50-50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये पैसा कहां से आ रहा है ये तो बता दो इस देश के लोगों को। इन्होंने पहले मेरे ऊपर कई 2-3 साल ऐसे थे जिसमें इन्होंने मेरे ऊपर जहां जाता था इंक फेंकते थे, खूब मैंने जिल्लत बर्दाश्त करी है, इंसल्ट बर्दाश्त करी है। फिर 2-3 साल पे इन्होंने कभी कोई अटैक, कभी थप्पड़ मारते थे, कभी मिर्च डाली, एक बार इन्होंने मेरे दफ्तर के अंदर घुस के इन्होंने जूते मारे मेरे को, अब कह रहे हैं गिरफ्तार करेंगे इनको। मैं जैसे मैं कह रहे थे आपको क्या लगता है गिरफ्तार करने से सरकार गिर जाएगी, ये सारे टूट जाएंगे, ऐसे ही टूट जाएंगे, कर लो गिरफ्तार, वो भी करके देख लो। अभी तक तो सब कुछ करके देख लिया, काम रोक के देख लिए, शुंगलू कमीशन बिठा लिया, कानून बदल लिए, सारा कुछ करके देख लिया, एक तुम्हारा यही सपना बचा केजरीवाल को गिरफ्तार करके ये भी पूरा करके देख। अभी तक तुमने इतनी रेड मारी, एक भी नेता के खिलाफ इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए बीजेपी वालों के ऊपर, ऐसे ही रेड मारने घुस जाते हो किसी के घर में? कोई कानून नियम है, कायदा है या नहीं है, संविधान है या नहीं है? मनीष सिसोदिया क्या इतनी रेड मारी, आप लोगों में से कितने एमएलए क्या रेड मारी, सतेंद्र जैन क्या रेड मारी, संजय सिंह क्या रेड मारी, कहीं कुछ एक नया चवन नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला। अरे हमारी संपत्ति लोगों के दिलों के अंदर है, बैंक अकाउंट के अंदर नहीं, और हमारा बैंक अकाउंट लोगों की आंखों के अंदर, यहां नहीं हमारी संपत्ति जहां ढूंढ रहे हो तुम लोग। अध्यक्ष महोदय 2014-15 में 2 घटनाएं घटी उस फाइनेंशियल ईयर में। 2014 के मई में केंद्र के अंदर एक पार्टी की सरकार बनी जिसको लोगों ने केंद्र में भारी बहुमत दिया, अभूतपूर्व बहुमत दिया, और 2015 की फरवरी के अंदर दिल्ली में एक पार्टी की सरकार बनी जिसे लोगों ने भारी बहुमत दिया, अभूतपूर्व बहुमत दिया, और वहां से 2 किस्म की राजनीति ने जन्म लिया, एक केंद्र के अंदर जो सरकार बनी थी और दिल्ली के अंदर जो सरकार बनी थी। आज 10 साल हो गए दोनों सरकारों को बने हुए, एक केंद्र की सरकार है जिसने 10 साल में कोई काम नहीं किया, और अब वो केवल कैसे वोट लेना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लो, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दो, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लो, ईडी को सबके पीछे लगा दो, सारी ओपोजिशन को कुचल डालो, सारे नेताओं को जेल में डाल दो, इस तरह से ये वोट लेना चाहते हैं। और दूसरी राजनीति दिल्ली की राजनीति थी जिसके अंदर हमने स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, लोगों का इलाज किया, लोगों के बच्चों को पढ़ाया, पानी का इंतजाम किया, बिजली का, हमने 2 करोड़ लोगों का दिल जीता, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। दोनों 2 किस्म की राजनीति अब देश के लोगों को तय करना है, एक पाप की राजनीति है, एक पुण्य की राजनीति है। इस देश को पाप की राजनीति चाहिए या इस देश को पुण्य की राजनीति चाहिए, ये लोगों को तय करना है। अब आजकल बड़ी अफवाह फैला रखी है इन लोगों ने, बस ये लोकसभा चुनाव हो जाएं, उसके बाद तो संविधान बदल के दिल्ली को फुल यूनियन टेरिटरी बना देंगे, उसके बाद चुनाव फैला रखी है, नहीं फैला रखी, विधानसभा खत्म कर देंगे। अरे किसी के बाप की जागीर है जो विधानसभा खत्म कर दोगे, ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे? ये देश किसी की पिताजी की जागीर थोड़ी है कि ऐसे ही विधानसभा खत्म कर दोगे। मैं आज बीजेपी से जानना चाहता हूं ये चुनाव इसी बात पे हो जाए, दिल्ली के लोगों से जाके वोट मांगो, बोलो तुम्हारा वोट का अधिकार छीन लेंगे, वोट दो हमको, मजाल जो तुमको। आज बीजेपी स्पष्ट कर दे कि लोकसभा के बाद दिल्ली की विधानसभा को भंग करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी के ऊपर चुनाव हो जाए इस बार। आप भी जाके गली गली में बोलना और गली गली में लोगों को बताना कि अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया तो तुम्हारा बीजेपी वोट का अधिकार छीनने वाली है, बीजेपी खुल के अंदर बोल रही है, और बीजेपी को हम ललकारेंगे, अगर हिम्मत है तो करके दिखा दो। और एक और आप सबसे विनती है कि
विधानसभा भंग करें या ना करें, हम यहां सत्ता के लिए नहीं आए, हम यहां सेवा के लिए आए हैं। काम करते रहना। हम एमएलए रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, विधानसभा रहे ना रहे, पूरी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर की है। सत्ता के लिए नहीं, हमने सर्विस सेवा के लिए हम लोगों ने न्यौछावर की है। मैं दिल्ली वालों को भी बोलना चाहता हूं, इन लोगों को आपके बेटे से तकलीफ है। आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है, दिल्ली वालों ने। सुंदर नगर की गलियों से उठा के एक आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली वालों ने दे दी। इन लोगों को आपके बेटे से तकलीफ है, ये आपके बेटे को क्रश करना चाहते हैं, ये आपके बेटे को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं, आपके लिए लड़ता रहूंगा मरते दम तक। मेरी ये विधानसभा भंग भी कर दें अगर, ये जितने मर्जी षड्यंत्र करते रहें, सत्ता में होते हुए या सत्ता में बाहर रह के मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए है। 7 जन्म में भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता जो एहसान दिल्ली वालों का मिला। बीजेपी वाले राजनीति में सत्ता के लिए आए हैं, उनके लिए ये सत्ता की लड़ाई है, हमारे लिए ये सेवा की लड़ाई है। ये खूब षड्यंत्र रचेंगे, ये बार बार सत्ता को इस्तेमाल करके हमें कुचलने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के आशीर्वाद से बार बार उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। जितनी बार ये कुचलने की कोशिश करेंगे, हम फिर उठ के खड़े हो जाएंगे। तुम्हारी मक्कारी के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक नहीं 100-100 अभिमन्यु इस पार्टी के अंदर हैं। आप जितने चक्रव्यूह रचोगे उससे ज्यादा भेद के हम बाहर निकल आएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस जो प्रपोजल मैंने कल रखा था उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं, और मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताया कि इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी। मैं थोड़े से नंबर बता देता हूं कि एक भी आदमी हमारा नहीं टूटा। हमारे टोटल 62 एमएलए हैं अभी यहां पे, विधानसभा में 54 मौजूद हैं, 2 बीमार हैं, 3 आउट ऑफ स्टेशन हैं, 2 जेल में हैं, सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, और 1 की यहां शादी है। 54 यहां मौजूद हैं, एक भी नहीं टूटा इनमें से।